गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ गई है। न्यू वैकेंसीज़ जो है वो निकल कर आ रही है। ऐसा बहुत कोई बोल रहे थे कि लॉकडाउन में भी वैकेंसी नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जो वैकेंसी है वो रेगुलर मोड पे होती रहेगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो फिर कंप्लीट जो है प्रोसेस वो नहीं हो पाता है। इसके लिए वैकेंसी रुकने वाली तो नहीं है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं, कम ही निकल रही है। बड़े पोस्टों के लिए नहीं निकल रही है, बहुत मात्रा में पोस्ट नहीं निकल रही, बट वैकेंसी धीरे धीरे करके निकल रही है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो वैकेंसी आई है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेज है, जो ये एड्रेस है जहाँ से वैकेंसी निकली है, ये जादूगुड़ा माइंस डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम ईस्ट झारखंड से निकल कर आई है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ये है, काफ़ी अच्छी कंपनी है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें जो है 10th के लिए भी वैकेंसी है, 12th वाले के लिए भी वैकेंसी है, और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट है वो लोग के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, या तो बीटेक बोल सकते हैं, जो बीटेक की है वो लोग के लिए भी वैकेंसी है। तो क्या है कंप्लीट वैकेंसी का डिटेल वो मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट डेट मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट आप नोट कर लीजिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो 18/5/2020 से स्टार्ट हो चुके हैं, 10 बजे सुबह से। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसका ऑनलाइन फी भरने का वो 22/6/2020 तक चलेंगे। ठीक है, 22/6/2020, वो भी 10 बजे तक। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन का डेट है वो अभी टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब वो फिक्स नहीं है कि वो कब तक होगा, बस अभी आपसे आवेदन मांग रही है, तो आप अभी एप्लीकेशन डालें। ठीक है, एप्लीकेशन करने का जो मोड है वो तो सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन इनका कोई भी मोड नहीं है, ऑफलाइन इनका कोई भी मोड नहीं है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने में किसी भी तरह का परेशानी आपको अगर आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि किस तरह का परेशानी आपको हो रही है, तो मैं उसकी रिगार्डिंग आपको पूरी हेल्प करूँगा, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और पूरी आपको बताऊँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए एक एक कर हम बताते हैं आपको कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे कि आपको मैं बता ही दिया हूँ कि जो ऑनलाइन डेट है एप्लीकेशन का वो 18/5/2020 से चालू हो चुका है। ठीक है, और ये 22/6/2020 तक चलेगी। ठीक है, और इसका जो लास्ट एग्जामिनेशन पे फी आपको जो पे करना है वो 22 तक ही करने का मिलेगा, बाद में आपको फी पेमेंट करने का कोई मेथड नहीं होगा। तो जो आप जिस टाइम अप्लाई करेंगे आप, अच्छा रहेगा कि आप उसी टाइम फी पे कर लें। इनका जो फी है, मतलब जो एग्जामिनेशन फी है, वो आपको 500 देना है जनरल OBC और EWS। जनरल कैंडिडेट को, OBC को और EWS के कैंडिडेट को 500 फी पे करना है, और जितने भी SC ST के लोग हैं, जितने भी SC या तो ST कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोग के लिए 0 रुपीज़, मतलब फी नील है, आपको कोई भी फीस नहीं देना है। और नेक्स्ट ऑल जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, या तो बोल सकते हैं फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, वो लोग को भी कोई फी नहीं पे करना है, 0 रुपीज़ में उन लोग का फॉर्म भराएगा। ठीक है, टोटल जो पोस्ट इसमें निकली हुई है वो है 136 पोस्ट, तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, 136 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और जो एज लिमिट होगा वो आपका 30/4/2020 को कंप्लीट होना है। क्या? अप्रैल, 30 अप्रैल 2020 को एज लिमिट है, चाहे वो मिनिमम हो, मिनिमम हो चाहे वो तो मैक्सिमम हो, वो आपको 30/4/2020 तक कम्प्लीट होना है। फर्स्ट यहाँ पर पोस्ट जो है, पोस्ट नेम मैं बता दे रहा हूँ, अप्रेंटिस माइनिंग मेट। अप्रेंटिस जो है माइनिंग मेट के लिए, जनरल के लिए 26 सीट, OBC के लिए 6 सीट, SC के लिए 6 और ST के लिए 15। ठीक है, टोटल 53 सीट है। तो इनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 इंटरमीडिएट चाहिए, ISC इंटरमीडिएट होना चाहिए, या तो इंटरमीडिएट सिर्फ चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि ISC चाहिए, आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं और साइंस वाले भी भर सकते हैं। और इनका जो एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो जनरल है या तो OBC से है, ठीक है, इसके लिए आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका परसेंट 60% से कम है तो आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते जनरल और OBC के लिए। नेक्स्ट है SC ST के लिए, SC एंड ST कैंडिडेट के लिए, SC और ST कैंडिडेट के लिए ओनली 55% मार्क्स चाहिए। अगर आपका 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरल और OBC के लिए 60% चाहिए। इनमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एज लिमिट ज़्यादा 25 साल हो रहा है तो आप 30/4/2020
तक अगर 25 साल हो रहा है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो मिनिमम जो है वो 18 ईयर होना चाहिए। कितना? 18 ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट है माइनिंग मेट। क्या माइनिंग मेट? तो इसमें जो वैकेंसी आई है जनरल के लिए 26, उसके बाद एसटी के लिए 6, एससी के लिए 6 और ओबीसी के लिए जो है वो 14। टोटल 52 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इनमें जो आपको चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट, इसमें भी 10+2 चाहिए, 10+2। इनमें मार्क्स का जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपका 60% होना चाहिए या तो 50% होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो इनमें आप जो अगर पास कैंडिडेट भी हैं, पास कैंडिडेट तो वैसे भी कैंडिडेट इनको फील कर सकते हैं। इनके साथ जो है एक सर्टिफिकेट चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट विथ माइनिंग मेट सर्टिफिकेट, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस, और इनके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भरिए। इनका जो एज लिमिट मैक्सिमम है वो 35 ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट, अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है। इनका जो देखिए कंप्लीट पोस्ट है मैं बता दे रहा हूँ। जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 और एससी के लिए 1 है, ठीक है। तो कंप्लीट पोस्ट है वो 5 पोस्ट है, इनका 5 पोस्ट है। अब इनके लिए क्या चाहिए वो देखिए, इनके लिए चाहिए सिर्फ क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब आपको 10 पास चाहिए। इनमें भी कोई जो है वो 10 पास सिर्फ चाहिए आपको, ठीक है, कोई भी बोर्ड से हो, या तो यूपी बोर्ड, या तो एमपी बोर्ड, या तो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, या तो सीबीएसई बोर्ड, या तो आईसीएसई, कोई भी बोर्ड से आपको बस पास हुआ चाहिए, ठीक है। पर इनमें जो है मार्क्स का क्राइटेरिया बना दिया है कि क्या जनरल में और ओबीसी में कितना मार्क्स होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए। कितना? 60% मिनिमम मार्क्स, ओके। और एसटी एससी के लिए जो है, एससी एंड एसटी के लिए जो मार्क्स है वो 55% होना चाहिए। क्या? 55% होना चाहिए मिनिमम मार्क्स, ज़्यादा जितना भी आप भर सकते हैं बट मिनिमम मार्क्स ही चाहिए। और एज लिमिट जो है वो 25 ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइंडिंग इंजीनियरिंग ड्राइव बी, ठीक है। जो वाइंडिंग इंजीनियरिंग ड्राइव बी का पोस्ट है, ओबीसी के लिए सॉरी जनरल के लिए 7 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 3। टोटल पोस्ट 14 पोस्ट है। कितना? 14 पोस्ट है। इनके लिए जो आपको क्राइटेरिया चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया बोल सकते हैं, क्लास 10 चाहिए विथ फर्स्ट क्लास पास्ड विथ वाइंडिंग इंजीनियरिंग ड्राइव सर्टिफिकेट। आपको इसके साथ क्या चाहिए? फर्स्ट क्लास पास्ड विथ वाइंडिंग इंजीनियरिंग ड्राइविंग सर्टिफिकेट एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। वाइंडिंग इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, उनके साथ 3 साल का 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कोई भी कंपनी में काम किए हैं तभी आप भर सकते हैं, कम से कम 3 साल, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 साल का है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लास्टर बी पोस्ट, ठीक है, ग्रेड बी ब्लास्टर का पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये, ठीक है। इनका जो है जनरल के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1, टोटल ऑफ पोस्ट 4 पोस्ट। कितना? 4 पोस्ट के लिए है वैकेंसी ये। और ये जो है आपका बता देते हैं, क्लास 10 चाहिए। क्या? क्लास 10 चाहिए, कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं, बट विथ इसके साथ आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ब्लास्टर सर्टिफिकेट एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ब्लास्टर का सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। इनका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर है, 32 ईयर्स वाले मैक्सिमम एज लिमिट वाले भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेजुएट ऑप्शनल ट्रेनी। क्या? ग्रेजुएट ऑप्शनल ट्रेनी केमिकल। क्या? केमिस्ट, केमिकल ब्रांच है, ठीक है। इनका जो टोटल पोस्ट है, जनरल के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल इसका जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट के लिए, कितना? 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इनमें जो है आपको चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया, वो बीएस बैचलर डिग्री। क्या? बैचलर डिग्री चाहिए इन साइंस, ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट में। उसमें से भी कौन कौन सब्जेक्ट होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। साइंस में फिजिक्स से बैचलर डिग्री या तो केमिस्ट्री से, कौन कौन सा? फिजिक्स से बैचलर डिग्री या तो केमिस्ट्री से, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट से आपको बैचलर डिग्री का चाहिए, मतलब डिग्री चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है, बोल सकते हैं। और इनमें जो जनरल और ओबीसी का मार्क्स है, वो देख लीजिए, जनरल और ओबीसी का मार्क्स है वो कंप्लीट 60% मिनिमम चाहिए, 60%। और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स,
ठीक है, यह रिजर्वेशन है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 55% में भी काम चलेगा, बट जनरल और ओबीसी के लिए कम से कम 60% चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जिसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर का, मतलब 30 साल वाले इसको भर सकते हैं मैक्सिमम। इनमें जो है वो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट है बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट। क्या? बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ग्रेड ए। ये ग्रेड ए के पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, ग्रेड ए के पोस्ट हैं। तो इनमें जो वैकेंसी है वो जनरल के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, एससी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं, और एसटी के लिए टोटल एक पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 पोस्ट है। ठीक है, बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट का टोटल 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इनमें जो है क्लास 10 चाहिए आपको, क्लास 10 चाहिए या मैट्रिक विथ फर्स्ट क्लास पास्ट विथ बॉयलर सर्टिफिकेट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। आपको इसमें चाहिए क्या? बॉयलर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। कितना साल का? 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए। इनमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है। मिनिमम एज लिमिट सभी पोस्टों के लिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ 18 ईयर चाहिए। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा सबके लिए जो है एज लिमिट मैक्सिमम वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा पोस्ट है, आप इनके लिए फॉर्म भरिए। अगर कोई भी तरह का दिक्कत आता है तो हमको बताइएगा, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इनमें जो है ना देखिए, जिनमें एक्सपीरियंस आपका मांगा है उसमें जो है मार्क्स जो है परसेंटेज उनका कोई जिक्र नहीं किया है, बट जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है उनमें जो है परसेंटेज इंपॉर्टेंट रखा हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपके लिए एलिजिबल होता है, आप जिसके लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करें, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। जैसे कि एक्सपीरियंस वाले के लिए तो जो सर्टिफिकेट है उसके लिए बहुत कोई तो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये सब जो है ना कोर्स है, जैसे बॉयलर का कोर्स होता है, माइनिंग मेट का कोर्स होता है, ब्लास्टर का कोर्स होता है। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस से होती है, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से होते हैं, और इंजीनियरिंग के जहाँ से कॉलेजेस है वहाँ से एक्सपीरियंस फिर कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे कंपनी में, रजिस्टर्ड कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मिलता है। तो देखिए बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी हैं जिनके आप 12 पास किए या तो 10 पास किए, जैसे पोस्ट है अप्रेंटिस माइनिंग मेट का, और दूसरा जो पोस्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ अप्रेंटिस लेबोरेटरी का असिस्टेंट जो है वो, उसके लिए आप तो बस अप्रेंटिस माइनिंग मेट है उसमें 12 चाहिए, और अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट है उनमें आपको बस 10 चाहिए। तो ये सब के लिए अप्लाई कीजिए। और भी एक पोस्ट है मैं दिखला दे रहा चाह रहा हूँ, नहीं दो ही पोस्ट है जिनके लिए मतलब कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप कितना अप्लाई करेंगे, आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, मैं पूरी आपकी सहायता करूँगा। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।